नमस्कार दोस्तों, मुझे किसी ने प्रश्न किया है कि हमें आधी रात को अपने घर में उल्लू दिखाई दिया है तो क्या ये मृत्यु का संकेत करता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन क्लिक करें। देखिए, पक्षी तंत्र जो है उसके हिसाब से उल्लू का आगमन बहुत शुभ माना जाता है, पर कई बार उल्लू का आगमन अशुभ संकेत भी करता है। अगर आप अपने घर में रात को उल्लू देखते हैं तो इस चीज़ को नोटिस करें कि उल्लू का आगमन कहाँ से हुआ है। अगर मान लीजिए उल्लू पूरब दिशा की तरफ से घर में आया है तो यह बहुत 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 ही शुभ है, धन लाभ है, धन का आगमन है, माँ लक्ष्मी का वरदान है। और अगर ये दक्षिण पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ से घर में प्रवेश किया है तो ये अशुभ माना जाता है। पर इसमें मृत्यु का कहीं भी वर्णन पक्षी तंत्र नहीं करता है। मान लीजिए आपने इसको घर में प्रवेश करते हुए नहीं देखा है और फिर भी आपको अपने घर में उल्लू दिख जाता है तो आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि वो किस दिशा में बैठा हुआ है, किस जगह पे बैठा हुआ है, कौन सी दिशा उसने अपने बैठने के लिए रखी हुई है। अगर आपको अपने घर में पूरब दिशा में बैठा हुआ उल्लू दिख जाता है तो ये तो बहुत ही शुभ है, धन ही धन है, लाभ ही लाभ है। लेकिन अगर आपको अपने घर के पूरब उत्तर दक्षिण या पश्चिम दिशा में बैठा हुआ उल्लू दिख जाता है तो ये ज़्यादा शुभ नहीं माना जाएगा। इसमें पर इस चीज़ का ध्यान दें, इसमें मृत्यु का कहीं भी कोई संकेत नहीं दिखा रहा है पक्षी तंत्र। लेकिन अगर पक्षी तंत्र में इस चीज़ का विवरण आया है कि अगर आपके घर में पूर्व दिशा से प्रवेश करता हुआ उल्लू घर में आया है और आकर वो दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में बैठ गया है तो समझिए घर में धन तो आने वाला है, लेकिन वो घर में रुकेगा नहीं, धन आते ही उसके जाने का मार्ग खुला होगा। लेकिन अगर वो किसी भी दिशा से घर में घुसकर पूर्व दिशा में बैठ गया है तो ये शुभ ही शुभ माना जाएगा। ये छोटी सी जानकारी आपको दी है, उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।